वैसे तुम्हें एक बात बताऊं मैं इब्राहिम, अगर तुम्हारा दिमाग खराब नहीं होता तो तुम तब भी पागलों जैसे ही दिखते होगे। हाँ वाकई, तुम करते क्या थे? मेरा मतलब है ऐसे ट्रैवलिंग करने से पहले। आइडिया मेकर था और एजेंसी के सब लोग मुझे जीनियस कहते थे। मालूम है मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद क्या हुआ इब्राहिम? उसके बाद मैंने ये सोचा कि सारे सेबों को उतार कर खा खा कर चेक करूंगा। हाँ। वैसे तुम्हारी गाड़ी में और क्या क्या चीजें हैं? मुझे तो तुम्हारी गाड़ी में ये बॉक्स और ये कैंस ही नजर आते हैं। जूस की बोतल के ढक्कन है। बस ऐसे ही कुछ चीजें बनाता रहता हूँ, मुझे पसंद है। वाओ, अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत अच्छा है, मगर तुम्हारी गाड़ी को इतना सा, मेरे बाल फंस गए इसमें। रुक जाओ, मैं निकालता हूँ। यार दुरुक, अच्छा हम यहाँ पर आ गए, वरना घर पर मुझे फिकर ही लगी रहती। हम बगैर बताए आ गए यहाँ पर दुरुक, मगर मुझे यकीन है कि एपिक नाराज नहीं होगी। थोड़ा इस तरफ झुको करीम। ये क्या हो रहा है? मैं तो लुट गया। एपिक, एपिक, हट जाओ पीछे। हाय, यार करीम, तुम भी बहुत अजीब आदमी हो। क्या तुम हर उस आदमी को मारोगे जो मुझसे बात कर रहा होगा या मेरे पास खड़ा होगा? हाँ हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जो भी होगा, मैं उसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा सलूक करूंगा। मैंने तो सोचा था मेरी होने वाली बीवी मुझे चाय और कॉफी पिलाएगी। चाय कॉफी दूर की बात, तुम तो मुझे मारती हो। क्योंकि तुम सारी हरकतें जानबूझ कर करते हो और तुम्हारी सारी हरकतें ऐसी ही होती हैं कि तुम्हें मारा जाए, समझे करीम प्यारे? एपिक, तुम मेरी जिंदगी हो, याद रखो।